तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल कामली है। आई एम अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्टॉक इंडस्ट्रीज। तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो हेल्प करेंगे आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ईजी है, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी विद अ स्टॉप लॉस मैं आपको दे दूंगा, जिसकी एक्यूरेसी 80% है। और क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो अपने स्ट्रैटेजीज, मैं 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 4 साल से मैंने अपने खुद स्ट्रैटेजीज भी बनाई हैं। तो मेरे खुद के जो स्ट्रैटेजीज जो मैंने बनाई हैं, हर एक ट्रेडर एक इंडिकेटर यूज़ करता है, वो सेम इंडिकेटर डिफरेंट वे में यूज़ करता है। ऐसे नहीं कि आप सेम इंडिकेटर चल रहा है और सेम इंडिकेटर जो बुक्स में लिखे हैं या फिर जो हर कोई जैसे यूज़ करता है वैसे यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में जब एक बात चली जाती है तो कैसे होता है, जो इंडिकेटर जो चल रहा है, जो स्ट्रैटेजी चल रही है, वो नहीं चलेगी। इसी वजह से एक इंडिकेटर को एक ट्रेडर डिफरेंट वे में यूज़ करता है। अभी मैं ये जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, MACD में रहेगी। MACD एक स्ट्रैटेजी है, एक इंडिकेटर है, जो ऑलमोस्ट जो थोड़े एडवांस है उनको पता है, उसको कैसे यूज़ करना रहेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। अभी नॉर्मली MACD में लोग कैसे यूज़ करके, क्रॉस ओवर में यूज़ करके, जैसे ओवर वैल्यूड हो गया और उसका क्रॉस ओवर हो गया। लेकिन मैं ये इंडिकेटर क्रॉस ओवर बेस नहीं करता, मैं एक डिफरेंट वे में इसको यूज़ करता हूँ। और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो आपको 5-10 मिनट में, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे, ये मैं बताऊँगा एकदम सिंपल लगेगा आपको, लेकिन इसका ड्रॉडाउन, इसका स्टॉप लॉस आपको दिमाग में रख के इसको यूज़ करना है। ये नहीं कि आप बाय आ गया, जैसे मैं आपको बता दिया कि यहाँ से बाय, आप आग बंद करके इसको बाय ले लो, ऐसा नहीं रहेगा। आप उसका स्टॉप लॉस देखना, आप ड्रॉडाउन देखना, कोई भी एक इंडिकेटर या कोई भी एक स्ट्रैटेजी जब एक्टिव होती है तो उस कैंडल का प्रेशर देखा जाता है, वो कैंडल का साइज़ देखा जाता है। पहले आपको बता दे दो, अगर ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो और उसका अगर कैंडल बहुत ही बड़ा है, अगर समझो वो स्ट्रैटेजी एक्टिव हो रही है, जब स्ट्रैटेजी वो एक्टिव हो रही है और जो एक्टिव होने के टाइम जो कैंडल, उस टाइम की जो कैंडल अगर बहुत लॉन्ग रहेगी तो उसको हम स्ट्रैटेजी एक्टिव नहीं बोल सकते। हम लोग जो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे उसमें हम लोग कैंडल बहुत नॉर्मल साइज होना चाहिए। लॉन्ग विथ फ्री कैंडल में कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क होती नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर ये स्ट्रैटेजी मेरी आप यूज़ कर रहे हो, डेली बेसिस पर अगर यूज़ कर रहे हो, तो फ्री कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड मत लेना। एज प्रॉमिस, जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाया, जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की है, मैंने खुद से बनाया, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको जब ये टाइम रहेगा तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी को समझने के लिए उसकी जो डेप्थ में मैं देखता हूँ वो स्ट्रैटेजी, उसी डेप्थ से आप भी देखना चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। वरना मेरी सजेशन रहेगी कि ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ ही मत करना, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है। बहुत ही डिसेंट वे, बहुत ही आराम से, बहुत ही समझ के हम लोग को ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। तो आइए चलते स्क्रीन की तरफ, मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होती है। हाँ, तो जैसे ट्रेडिंग व्यू ओपन कर दिया आपने, यहाँ पे ऐसा डाके ट्रेडिंग व्यू, तो ये आपको ये ओपन हो जाता है, चार्ट ओपन हो जाता है। तो इसका कोई भी एक समझो, अभी मैं निफ्टी में देखना चाहता हूँ तो निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करूँगा। पहले तो आप ये जान लो कि ये स्ट्रैटेजी कौन से इंडिकेटर्स बेस्ड है, कौन से प्राइस एक्शन बेस्ड है, आप ये पहले सब चीज़ें जान लो। तो अगर आप ये इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, स्ट्रिक्टली इस इंडिकेटर को फॉलो करोगे, इसमें आप अपना स्टडीज मत लाना, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्टडीज किया है, अगर आप दो स्ट्रैटेजी को मिक्स करोगे तो आपको अलग अलग व्यूज आएंगे। तो जैसे प्रॉमिस किया था मैं आपको मेरे स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, वैसे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ आज, जो बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे, ये रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसी बाय करके हर एक ट्रेड का एक स्टॉप लॉस होता है। ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो 60-70% का एक्यूरेसी देता है, 30% एक्यूरेसी नहीं देता, तो मतलब 30% एक्यूरेट नहीं है वो। तो समझो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपके 7 ट्रेड्स पॉजिटिव रहेंगे, 3 ट्रेड्स आपके लॉस में रहेंगे। सिर्फ आपको देखना है कि आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई रहेगी तो मेरे को आप बताना, क्योंकि मैं वापस समझाऊंगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं रहेगी और अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपके ट्रेड्स में, तो आपके ट्रेड्स बहुत ही गलत हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस
ये स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस में आपको दे रहा हूँ, इसमें मेरी कोई राय नहीं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उसको आप पूछ सकते हो, जो टेक्निकल एक्सपर्ट रहेगा उसको पूछ सकते हो, फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मैं मेरे व्यूअर्स के लिए एजुकेशनल पर्पस दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जब भी बनाई है उसमें दिमाग ऑलरेडी मैंने लगाया है, तो आपको अलग से एक दिमाग नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। तो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ। अगर जैसे देखो, ये मैं वाइट से हटा देता हूँ, पहले डार्क थीम से हटा देता हूँ, इसको आपको बेटर अंदाजा रहेगा। ठीक है, तो अब ये चार्ट ओपन कर लिया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, इंडिकेटर में जाके आप MACD इंडिकेटर देखो, MACD इंडिकेटर आप चूज करोगे जो ये है। ठीक है, अभी MACD का फुल फॉर्म क्या है, उसका क्या मतलब है, कैसे वर्क होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर गूगल पे टाइप करोगे तो उसका मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मतलब उसका डाइवर्जेंस मार्केट में कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना यूजफुल है। अगर MACD ने डाइवर्जेंस दिया तो कैसे यूज करने का, एक टोटल ट्रेंड का डाइवर्जेंस हो सकता है। अगर आप ट्रेंड में है मानो, और उसके बाद मार्केट को एक ट्रेंड चेंज करना है, तो वो MACD एक ट्रेंड को कन्वर्ट कर सकता है या डाइवर्ट कर सकता है। इसका MACD में इतना पोटेंशियल है, वो एक मूविंग एवरेज बेस्ड है, सिर्फ मूविंग एवरेज बेस्ड है, मतलब आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा। अभी समझो MACD मैंने आपको बताया, तो ये वर्क कैसे करते हैं, नॉर्मली लोग कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इधर इंडिकेटर स्टॉकेस्टिक RSI करके और एक इंडिकेटर वो लगाते हैं, नॉर्मली कैसे यूज करते हैं, और मैं मेरी स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा। तो समझो यहाँ पे देखो, आई होप आपको विजिबल है ये सब, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इधर आप देख रहे हो, जब ब्लू और रेड को जब क्रॉसओवर दिया है मार्केट ने, ब्लू और रेड को जब क्रॉसओवर मार्केट ने दिया है, ये बाय इंडिकेट कर देता है। तो हम लोग ने अगर इधर एक लाइन बनाया, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी बाय जनरेट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ था। तो अगर अपन ये इंडिकेटर को फॉलो करते हो, स्टॉकेस्टिक RSI और MACD, तो यहाँ पे हम लोग को बाय जनरेट हो गया था, यहाँ पे आपने बाय लिया, इसका टारगेट यहाँ तक रहेगा, समझो ये MACD के यहाँ तक, या फिर ये जब क्रॉस ओवर देता है तभी आपको एग्जिट करना है। ये देखो, ये एग्जिट मतलब ऊपर के साइड पे अगर उसने क्रॉस ओवर दिया है तो यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, मतलब इधर होता है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। अगर आप इधर से देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको HDFC बैंक जैसे स्टॉक में एक स्क्रिप्ट में आपको 45 पॉइंट्स मिलता है। 45 पॉइंट्स एक स्टॉक में मिलना बहुत बड़ी बात है। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स नहीं है कि आपको 400-500 पॉइंट देगा, ये आपको 45 पॉइंट स्टॉक में दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, आपको ये भी मैंने सिखा दिया कि ये नॉर्मल लोग मार्केट में यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें अलग क्या किया, इसमें मैंने क्या अलग किया, मैं औरों की तरह ट्रेड करूंगा तो मैं वैसे ही ट्रेडर हो जाऊंगा ना, तो आपको इजी वे में कैसे बताओ। तो पहले तो आप ये स्टॉकिस्टिक RSI जो है आपको निकाल देना है, आपको फटे अब MACD को रखो। अभी HDFC बैंक मैं कब ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ये 0-0 आपको दिख रहा है, ये लाइन क्या आपको एक लाइन दिख रहा है, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन है, फिर ये रेड, फिर ये ग्रीन, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक 0-0 करके एक मार्क आता है, अब उधर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसको थोड़ा डार्क कर दिया, तो क्या इधर आपको लाइन दिख रहा है, एक लाइन ड्रॉ किया। अभी आपको बताओ, जब भी ये क्रॉस होगा, जब भी या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, जब भी ये क्रॉस होगा ना, तभी आपको एक ट्रेड इनिशिएट करना है। उसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन ये कितना सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी ये क्रॉस ओवर इनिशिएट हो गया, आपको बाय सेल एक्टिव करना है, और इसका स्टॉप लॉस कैसा है, इसका एग्जिट कैसा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आई होप जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं, वो ब्लाइंडली मत इसको फॉलो करना, प्राइस एक्शन भी देखना। प्राइस एक्शन मतलब कैंडल्स जो मैं आपको सिखाया हूँ, अगर अपना बाय एक्टिवेट हो गया उसके बाद एक बुलिश कैंडल है तो ही ट्रेड इनिशिएट करना। ऐसा नहीं कि आपका बाय एक्टिवेट हो गया और एक बेरिश कैंडल आप बाय ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ठीक है,
अभी मार्केट ने, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझे। तो ठीक है, ये इनिशिएट कैसे करते हैं मैं आपको बताया। ये एचडीएफसी बैंक में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, ये दो लाइन है, ब्लू और ऑरेंज, और ये पर्पल लाइन मैंने जीरो पे लाइन मार दिया है समझे। तो अगर ये लाइव मार्केट में अगर ये जीरो से क्रॉस होता है ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, अगर जीरो से ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है, तो ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय। इतना दिमाग में आप फिक्स कर लो। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है इधर से अप, ठीक है, यहाँ से देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो बाय, इधर से डाउन साइड ब्रेक होता है तो सेल लेंगे हम लोग, ठीक है। नॉर्मली आप 1% का टारगेट लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जिट भी बता दूंगा। अगर जो होल्डिंग कैपेसिटी में जिनमें ज़्यादा है उनको भी मैं बता दूंगा। मेरे को 0.8% का टारगेट भी बहुत बड़ा टारगेट है एक स्टॉक के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपसाइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं आप, यहाँ पे मैं बाय ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। 1423 पे मैंने बाय ले लिया, वो भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर आपको समझने के लिए। अरे कलर चेंज कर दो। यहाँ पे मैं बाय ले लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के लिए हम लोग कलर रखेंगे रेड। अब ये चीज समझा, कहाँ पे मैं बाय इनिशिएट करूंगा और स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा। लेकिन इसका टारगेट देखो, अभी इसने यहाँ से मूवमेंट दिया, क्रॉसओवर भी दिया इधर, यहाँ से इसने टारगेट यहाँ तक दिया। अभी अगर आप एग्जाम्पल पकड़ो तो यहाँ से यहाँ तक 90-76 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है। अगर आप ध्यान से ट्रेड करोगे तो आपको इतने बड़ा टारगेट मिल सकता है। अभी सेल का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सेल लिया, इनिशिएट किया समझो, ये इनिशिएट हम लोग ने सेल यहाँ पे किया। इसका टॉप स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम लोग 1452, और यहाँ से नीचे से यहाँ तक टारगेट 51 तक रख सकते हैं। देखो आपको, अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आपको बेसिक्स तो मालूम रहना चाहिए, आप लेवल कैसे निकाल दो। तो इधर देखो आप, इधर आपको लेवल दिख रहा है, ये एक वन साइड, ये दूसरा, इतना तो आपको समझ ही रहा है ये लेवल है, तो यहाँ पे हम लोग ने मार्क कर दिया। और अगर आपको ये भी नहीं लेवल निकालने अगर नहीं आता रहेगा, तो यहाँ पे जब क्रॉस ओवर देता है ना, ये समझो इधर से हम लोग ने सेल ले लिया, इतना तो आपको मालूम अब तक समझा रहेगा कि यहाँ पे मैंने सेल लिया है। तो जब ये येल्लो लाइन को ब्लू क्रॉस करेगा यहाँ तक, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, मतलब समझो अगर मैं यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ ट्रेड, मैंने यहाँ तक एग्जिट किया, इधर हम लोग को बता देता है ये स्टॉक, ये इंडिकेटर कि यहाँ पे एग्जिट करना है इधर, तो हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स बैंक ने, एचडीएफसी बैंक स्टॉक में, सिर्फ एक स्टॉक में। तो ठीक है, क्या आपको इतना समझ में। अभी हम लोग एक वापस एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, एमएससीडी इंडिकेटर है और H1 टाइम फ्रेम है, मतलब 1 आवर, और कोई टाइम फ्रेम आपको यूज नहीं करना है। अगर आप दूसरा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उधर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसका एक्यूरेसी कम है। तो आप पहला चीज क्या करोगे, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपके पास इंडिकेटर भी नहीं है, आपके पास सिर्फ चार्ट है। ये आप पहले लेवल्स मार्क करोगे, ये लेवल हो गई, यहाँ पे लेवल हो गई, फिर यहाँ पे लेवल हो गई, फिर यहाँ पे लेवल हो गई, यहाँ पे लेवल होगी, इतना आपको समझा। फिर इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लेवल होगी, यहाँ पे लेवल होगी। तो आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है, इतने लेवल्स आपको मार्क करने आने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है ये लेवल्स भी आपको मार्क करने नहीं आ रहा है, तो इसको भूल जाओ, इसको हम लोग डिलीट करेंगे, सीधा इंडिकेटर्स में जाएंगे, एमएसईडी यूज करेंगे। और जब भी ये इनिशिएट करेगा बाय सेल, समझो यार अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यहाँ पे मैंने बाय इनिशिएट किया समझो, यहाँ पे मैंने बाय इनिशिएट किया, करेक्ट है, इधर मेरे को बाय सिग्नल मिला, यहाँ से मेरे को इधर एग्जिट दिया है, मेरे को मार्केट ने एग्जिट किधर दिया, यहाँ पे दिया है,
करेक्ट है, जब इसने क्रॉस ओवर किया है मेरे को वहाँ पे एग्जिट दिया है, तो इधर अब पकड़ लो कि मैंने यहाँ किधर को एग्जिट किया, तो इधर से उधर तक 43 points HDFC बैंक में आपको 43 points का टारगेट मिल रहा है, मतलब विच इज वेरी गुड। अभी यहाँ पे सेल दिया है, समझो ये करंट मार्केट सिचुएशन आपको बता दो, यहाँ पे सेल दिया है हम लोग को, यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये हाई रहेगा, या इसके ऊपर अपने को क्लोजिंग मिला तो इधर हम लोग एग्जिट कर देंगे, जिसके ऊपर अपने को क्लोजिंग नहीं मिला है, आप देख रहे हो इधर स्टॉप लॉस तक गया, इसके ऊपर अपने को क्लोजिंग मिला हम लोग एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, इतना आपको समझ रहा है ना। तो यहाँ से अब हम लोग को, मैक को ऐसा लगता है ये लेवल आपको दिख रहा है, इधर एक लेवल है, इधर एक लेवल है, तो यहाँ तक का टारगेट आपको देना चाहिए मार्केट, ठीक है, इतना आपको समझा। आज क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो आपको बैंक निफ्टी निफ्टी सब चीज़ देखना पड़ता है, तो वो निफ्टी कितनी स्ट्रांग थी आज, आज सब लोग ने देखा रहेगा, फिर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया, फिर बैंक निफ्टी के कारण HDFC स्ट्रांग हुआ, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा एज अ ट्रेडर। ये नहीं कि आप सिर्फ ये स्ट्रैटेजी मिल गई आपको, आप बाय सेल कर दो। आपको बैंक निफ्टी का एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये मैंने आज के ट्रेड कंप्लीट कर दो, अभी यहाँ पे हम लोग ने इनिशिएट करेंगे बाय, समझो इधर मेरे को मार्केट ने बाय दे दिया है, मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और मार्केट ने एग्जिट कहाँ पे दिया, इधर। इतना आपको समझा, फिर यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो 700 points बैंक निफ्टी में, इतना समझ रहे हो, कौन मार्केट में 700 points कौन कमा सकता है विदाउट एनी ट्रेडिंग सिस्टम, आपको एक स्ट्रेटेजी से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी इसका एनालिसिस भी बता दो, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल फ्लैग एंड पोल है, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, इसके बाद भी ऊपर गया मार्केट, तो काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटेजी को बेस पे आप सब चीज़ ले लो, अगर जो एडवांस ट्रेडर है वो बाकी सारी चीज़ें भी देखेगा फिर जाके एक ट्रेड इनिशिएट करेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पे आप डिपेंड और ले रहे हो, सेंटीमेंट देखना रहता है, मार्केट किस वे में जा रहा है, सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप इधर भी देखो, मार्केट ने यहाँ पे बाय जनरेट किया, यहाँ पे एग्जिट दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको एक सेकेंड यहाँ से यहाँ तक भी आपको 500 पॉइंट्स है। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको जब भी ये ट्रेड इनिशिएट होएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहेगा आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जीरो को क्रॉस कौन कर रहा है, ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय लेंगे हम लोग, नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे तो सेल ले लेंगे। ये बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है, इस पर बैक टेस्ट करो, मेरे को मेरा इंस्टाग्राम पर एक पेज भी है, मेरे नाम से भी है और मेरे कंपनी के नाम से भी है, स्टॉर्क इंडस्ट्रीज, अब मेरे को DM करो, मैं बता दूंगा आप करेक्ट हो कि नहीं करेक्ट हो। पहले एक दो हफ्ता आप इस पर बैक टेस्ट करो, क्योंकि जो ट्रेडर, मैं आपको ट्रेडर के बारे में बता दो, कोई भी स्ट्रैटेजी किसी को मिल जाता है तो उसको बैक टेस्ट करना पड़ता है। बैक टेस्ट पे आपको समझ में आ रहा है ये स्टॉप लॉस आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना चालू कर दो। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको पसंद आया रहेगा और समझ गया रहेगा तो आप मेरे को कमेंट्स के द्वारा बताना, और एग्जांपल्स और स्ट्रैटेजीज के लिए मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो मेरे को कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना, ताकि मैं और स्ट्रैटेजीज अपलोड कर दूँ। तो ठीक है, कुछ भी आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आया रहेगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करना, आप मेरे को बता देना कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं एक फटाक से एक आपको ट्यूटोरियल ले लूँगा कि आपको समझ में आए ये स्ट्रैटेजी के बारे में, और आपको अच्छा लगा रहेगा, आपको समझ में आया रहेगा तो मेरे को कमेंट्स को ज़रा ज़रूर बताना, और अगर आप इससे पैसे कमा पाओगे तो भी मेरे को एक बता देना कि आपने इस स्ट्रैटेजी से पैसे कमा लिए, इसका मतलब यह रहेगा कि आपको वो स्ट्रैटेजी समझ आई रही। तो ठीक है, बाकी मेरी कोई एडवाइस नहीं है इस पर, अगर आपको यूज़ करना चाहते हो तो करो, इसमें आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहेगा कोई, तो उसको आप पहले कंसर्न करो, एक टेक्निकल एक्सपर्ट रहेगा उसको आप कंसर्न करो, उसके बाद आप ट्रेड लो, ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आप ट्रेड इनिशिएट कर लो। तो मेरी कोई एडवाइस नहीं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाता हूँ,
तो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो कमेंट्स वगैरह मेरे को जरूर बताना, और शेयर जितना कर सकते हो उतना करना, ठीक है? तो थैंक यू, शब्बा खैर।